फिलहाल अब बारी है विदाई की, तो सभी लोग जो है एक करके विदा होंगे अब यहाँ से। सभी लोग जी यहाँ पर एक अच्छा खासा समय बिता दिए और शादी का माहौल जो है अब फिलहाल जो है खत्म हुआ और फिलहाल अब बारी है विदाई की, तो सभी लोग जो है एक करके विदा होंगे अब यहाँ से। रिम जिम के भी आपने मिटेगा अभी हम लोग कटिहार पहुंच चुके हैं और भूख बहुत जोर की लगी है, तो सोचा कि यहीं पे खा लेते हैं कटिहार में ही, क्योंकि घर जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ जो है खाना भी थोड़ा अच्छा मिलता है, घर जैसा मिलता है, मसाला रहता नहीं है, घर टाइप का रहता है। तो चलते हैं, क्रियांश भी अच्छा है, सोया हुआ है, और थोड़ा दिन सोया हुआ ही रहे तो सभी लोग आराम से खा भी लेंगे। One hour later. तो सभी लोग जी यात्रा करके पहुंच गए हैं फिलहाल घर। लगभग 3 घंटा का लगभग रास्ता था और उसके बाद जो आराम आराम से चल करके आए, और अच्छा रहा कि क्रियांश जो है इस बीच में सोया हुआ रहा। संदेश किया दिया, साड़ी किया दिया, संदेश किया दिया, साड़ी क्या मिला गिफ्ट में, सब खुशी खुशी देख। चलिए जी, अच्छा है। तो सभी लोग अपना गिफ्ट देख रहे हैं, संदेश भी देख रहे हैं, और क्रियांश को अपना खिलौना सा मिल गया, कुछ ही देर इस पर टिकने वाला है, फिर सबको फेंकेगा। तो चाचा चाची जो हमारे हैं, चंद्रमोहन चाचा, उनकी वाइफ, तो भाई लोग सबको देख कर ऐसा लगा कि ब्राह्मण टोली का द्वितीय रूप में हम लोग को पुनरावृत्ति हुआ है, बहुत अच्छा लगा। वही सेंटीमेंट उभरा मुझे अपने मायके सामने के सही बात है। उसके बाद सोचे कि भूखी हूँ, दाल चावल बनाने में टाइम लग जाएगा, तो सोनू बोला, क्या सोनू जिसको आप लोग शाश्वत कहते हैं, तो उसको सोनू ही कहते हैं, वही अच्छा खाना खिलाया, दाल चावल। तो सभी लोग का हो गया, होटल उससे भी अच्छा था, उससे भी अच्छा, मुझे और लोग खा रहे थे तो मुझे देख के थोड़ा सा कोई नहीं, आज रात में उससे अच्छा वाला खाना खाना खा लेना। और फिलहाल जो यहाँ पर संदेश सब है, अलग अलग वैरायटी का है, लग रहा है रसगुल्ला सब है, सुनो रख दो इसको, ठीक है। और सामान सब जो सब है अपना अपना समेटो, सब इधर उधर फैला हुआ है, और ट्रॉली है उधर, क्रियांश अपना खेल रहा है ना, चलो वो लगा हुआ है, अच्छा है, यहाँ बहुत लोग हैं अभी, तुम लोग संभालो, हम जाके आराम करते हैं ऊपर। तो हम लोग जी पहुंच गए घर, और घर पहुंच करके जो है अच्छा खासा हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि हम लोगों का जो है भागा दौड़ी थोड़ा अच्छा खासा हो गया था। पहले गए हुए थे हम लोग कानपुर, फिर गए दिल्ली, फिर उसके बाद चले आए यहाँ पर, तो लगभग 1 महीने का जो है भागा दौड़ी हुआ है। तो अब जो है घर में कुछ दिन रेस्ट करेंगे हम लोग, वैसे कुछ फंक्शन सब जो है और भी आने वाले हैं रिलेटिव सब का, लेकिन वो है अगले मंथ में, तो अगले मंथ में देखा जाएगा। शनिवार को हम लोग चाहते हैं जो हम लोग वहाँ चले, हमको थोड़ा मड़वा मंदिर, सोमवार को मड़वा मंदिर कम हो गया है, इसलिए हम अपने सब्जी में नमक के बदला काला है। बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि शनिवार को चले नरकटिया वहाँ गंगा स्नान, मड़वा में जल चढ़ा देंगे भोला को, ठीक है, देखा जाएगा, सब कुछ प्लानिंग किया जाएगा, क्योंकि प्लान जो है कई बार चेंज होता रहता है, क्योंकि हमें ये है ना वहाँ पे नरकटिया दही खाना है, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से अपने समदीन बहन को खबर दे देते हैं।
जो कि हमारे लिए दही खूब एकदम जमा के रख लो, कटिया में दही चूड़ा खाना है अच्छा सा, बहुत मलाई मार के कि वो कमजोर हो गए है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिलहाल जो है खाना हमारा लगाया जाए क्योंकि हमको लग रही है बहुत ही तेज भूख, समय हो रहा है सुबह के 11:30। डैडी पूजा कर रहे हैं, देर इसलिए लग रहा है तुम्हारी मम्मी ने का सब्जी बनाई, सोना मंगनी डाली है। क्रियांश के पास अच्छा खासा गाड़ी था और उस गाड़ी की क्या हालत हो गई है देख सकते हैं जी। नीचे का पार्ट्स इधर है और एक जो चक्का है वह गाड़ी के ऊपर है। क्या और ये क्या लगाया, क्रीम? क्रीम कहाँ से मिल गया इसको? इसको जो रात में देखा है, तो बच्चा है डर था तो इसलिए रात में जग गया था ये, और हम लोग को भी जगाया अच्छा खासा। हर रात हमको भी तुमको हमको जिया को दिखाया है। बिल्कुल, उसके बाद जो है माथा में ऐसे लग रहा है कोई चंदन लगाया हुआ है। नहीं, क्रीम है। ये वही कर रहे है, इसी टाइप से लगाया हुआ है, टीका टाइप से। कार्टून हम लोग कभी नहीं देखे, मेरी रात में इसके कृपा से 4 घंटा कार्टून देखे। देखो गाड़ी का हालत क्या है। अरे गाड़ी का हालत पंचर कर दिया है, सर्विसिंग कर रहा है। One hour later. Yeah, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है आराम से, क्या कर रहा है? दन्नू भाई से बात किया है क्रिया से भी बहुत देर। गर्मी लगता है मम्मी आपको? ठंडा नहीं है अब? ठंडा गया तो बाकी आंटी खा तो ली तुम, एक दो चम्मच कैसा लगा? बहुत बेहतरीन बना है। अच्छा बना है, पास में मेरा घर रहता मैं भी मंगाती, लेकिन जब जब मैं कटिहार आऊंगी जरूर मंगाती। अच्छा जी, तो हम लोग जो है घर में बैठे बैठे आराम से मंगवा लेते हैं और खाते हैं, और सब कुछ इसका एकदम अच्छा रहता है, एकदम हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो अगर आप लोग भी कटिहार से हैं और चाहते हैं घर बैठे इस तरह का हेल्दी और टेस्टी फूड मंगवाना होममेड, तो एक नंबर जो है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग उस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और फिलहाल जो है क्रियांश वहाँ चढ़ गया है बदमाशी करने के लिए। क्रियांश के लिए भी आया हुआ है, क्रियांश के लिए भी हम कुछ सोचे मंगा देते हैं, ये तो नहीं खा पाएगा ना, इसके लिए खीर मंगवाया है। अच्छा हाँ जी, खीर भी आया हुआ है और साथ में जो है गुजिया भी आया हुआ है। तो सभी लोग खाते हैं के करके, अब हम ज्यादा सूट नहीं करेंगे क्योंकि तब तक ठंडा हो जाएगा। क्रियांश चाट खा रहा है, गुजिया खाया, क्रियांश ने आधा आधा हम खा लिया। खाता कुछ नहीं है, क्रियांश क्या कर रहा है लल्ला, क्या कर रहा है? तो क्रियांश बदमाशी कर रहा है, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और भी कुछ बचे और कुछ था ड्राई वॉश ड्राई क्लीन, तो यहाँ पे भैया आए उनको मैं दे रही हूँ। हाँ क्रियांश, तो फिलहाल जी हम लोग जाने वाले हैं अभी नहाने के लिए, और हम लोगों को तैयारी भी करना है फिर कहीं और निकलने के लिए। तो घर तो आए हुए हैं, यहाँ पर जो है मौसी सब आई हुई है, तो उन सभी को जो है आसपास जो भी घूमने वाला जगह है, जो भी मंदिर सब है वहाँ पर चल करके जो है दर्शन सब करा दे, तो हम लोग चलेंगे ही। और कुछ शॉपिंग भी करनी है क्योंकि कुछ और भी फंक्शन आने वाले हैं। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग घर आते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं। बिल्कुल जी, तो उस फंक्शन के लिए भी करना है तैयारी, लेकिन वो फंक्शन जो है थोड़ा अभी समय है, तो 10 दिन का रेस्ट जो है हम लोग घर में कर सकते हैं। तुम ही बोलो, हम छोड़ देते हैं, बोलो बोलो, हो गया। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।